नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार में जून के पहले सप्ताह तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, 2 दिनों में हो जाएगा फैसला। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए बुरी खबर, गलत तरीके से टीचर बनने वालों की जा सकती है नौकरी। सावधान, हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना वायरस, नए रिसर्च में मिली जानकारी। जन अधिकार पार्टी को न्यायालय पर भरोसा, जाप नेता राजू दानवीर ने कहा पप्पू यादव की रिहाई के लिए बिहार एकजुट। तेजस्वी ने बिहार सरकार को बताया बेशर्म, बोले जालसाज नीतीश सरकार कागजों और आंकड़ों में चल रही है। बिहार में खून की कालाबाजारी करते पकड़ा गया युवक, लोगों ने की जमकर धुनाई। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 2 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, राज भर में बारिश के आसार। क्या इस बार भी बिहार के इन इलाकों में बाढ़ मचाएगी तबाही? नेपाली नदियों पर बांध मरम्मत नहीं होने से लोगों को सता रहा है डर। बिहार में फर्जी शिक्षकों को बहाल करने वाले अधिकारी और मुखिया भी रडार पर, सरकार को 1,000 करोड़ रुपए का लगाया चूना। कोरोना इलाज में प्रधानमंत्री का दिया आयुष्मान कार्ड किसी काम का नहीं, प्राइवेट अस्पताल कार्ड देखकर ही भर्ती से कर रहे हैं इनकार। बिहार में कोरोना के कहर को रोकने के लिए राज्य सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकती है, सरकारी सूत्रों से ऐसी ही खबर मिल रही है। 2 दिनों के भीतर सरकार इस पर फैसला ले सकती है। सूबे में जून के पहले सप्ताह तक लॉकडाउन लागू किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की पूरी संभावना है। सूबे में 5 मई से लॉकडाउन लगाया गया है, पहले 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया और फिर उसे 25 मई तक बढ़ाया गया। सरकारी अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन लगाने के बाद राज्य भर में कोरोना संक्रमण में काफी गिरावट आई है। 15 मई को बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 7800 के करीब था, जो अब लगभग 5200 के आसपास पहुंच गया है। जाहिर है कि लॉकडाउन से काफी राहत मिली है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में इसे और आगे बढ़ाने का फैसला तय है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 2 दिनों के भीतर सूबे के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में कोरोना को लेकर हालात पर चर्चा होगी और लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार कुछ नई छूट दे सकती है, सरकार ने पहले लॉकडाउन के बाद दूसरे लॉकडाउन में कुछ छूट दिया था। बिहार में शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर अब गाज गिर सकती है। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए निगरानी जांच के लिए शिक्षक नियोजन फोल्डर और मेगा सूची उपलब्ध कराने में आनाकानी करने वाले नियोजन इकाई पर जल्द ही प्राथमिकी की गाज गिरने वाली है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा के निर्देशानुसार सभी बीईओ से पंचायती राज संस्थान व नगर निकाय संस्थान द्वारा 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षकों को सभी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए फोल्डर तलब किया गया था, लेकिन बार बार आदेश के बाद भी नियोजन इकाई द्वारा नियोजित शिक्षकों का फोल्डर नहीं जमा किया गया। इस आदेश की अवहेलना के बाद निदेशक ने शिक्षकों के फोल्डर की जांच के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की, इसके लिए वेब पोर्टल का निर्माण किया गया। वैसे शिक्षक जिन्होंने अब तक अपने प्रमाण पत्रों को निगरानी विभाग के पास जमा नहीं किया है, वे अब शिक्षा विभाग की जारी पोर्टल पर अपने फोल्डर को अपलोड कर देंगे। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा कहा गया है कि फोल्डर उपलब्ध नहीं कराने वाले शिक्षकों की सूची को जिला प्रशासन की वेबसाइट पर NIC पर अपलोड कर दें। इसके लिए अंतिम तारीख 17 मई तय की गई थी। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी बनाकर रहना ही पर्याप्त नहीं रह गया है। नया रिसर्च से ये कह रहा है कि कोरोना वायरस हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने ये चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यकाल की और से जारी ताजा निर्देश में ये आशंका जताई गई है कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक बार फिर सरल तरीके से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस धूलकणों के साथ मिलकर हवा में 10 मीटर की दूरी तक फैल सकता है। इसके पीछे लॉसेंट स्टडी का हवाला दिया गया है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यकाल से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से ड्रॉपलेट्स 2 मीटर की दूरी तक जा सकते हैं, लेकिन ये ड्रॉपलेट्स हवा के धूल कणों के साथ मिलकर 10 मीटर की दूरी तक जा सकते हैं और उतनी दूरी पर खड़े व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे जाप अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई की मांग अब बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश का मुद्दा बन गई है। उन्हें राज्य सरकार ने सेवा के बदले 32 साल पुराने मामले में एक साजिश के तहत जेल भेज दिया है और साथ ही साथ बिहार वासियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन अब उनकी रिहाई की आवाज बिहार ही नहीं देश भर से आ रही है और हमें पूरा यकीन है कि सत्य की विजय होगी और वे जल्द हमारे बीच होंगे। ये बातें
जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कही है। उन्होंने कहा कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हमें न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है। उनकी रिहाई के लिए प्रदेश भर में लगातार लोग सड़क पर आ रहे हैं। देश भर में उनकी रिहाई की मांग अब एक मुहिम बन चुकी है। उनकी गिरफ्तारी में भाजपा की कठपुतली बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की न फंसाते हैं और न बचाते हैं कि कथनी को बेनकाब कर दिया है। वहीं राजू दानवीर ने पप्पू यादव द्वारा लोगों की सेवा के लिए बनाए गए जन अधिकार सेवा दल को लेकर कहा कि कोरोना महामारी के दूसरे लहर ने जब सबों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया और कोई भी कोरोना मरीज व उनके परिजनों के पास नहीं जा रहा था, तब जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब पूर्व सांसद पप्पू यादव ने लोगों को बचाने का प्रण लिया और अस्पताल से लेकर शमशान तक लोगों की दिन रात मदद की। बिहार के ग्रामीण इलाकों में हो रही मौत पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नाराजगी जाहिर की है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार के ऊपर आंकड़ों की हेराफेरी करने और गलत रिपोर्ट पेश करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में हजारों लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार इन आंकड़ों को छिपा रही है। शुक्रवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना संक्रमण के कारण बिहार के गांवों टोलों में बहुत ही भयावह और खतरनाक हालात है। कहीं कोई जांच परख नहीं है, दवा अस्पताल और डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। जालसाज नीतीश सरकार आंकड़ों का प्रबंधन कर मस्त है, मर रहे लोग, जल रहे सब, इनके लिए संख्या भी नहीं है। एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा कि मुजफ्फरपुर के सरमसपुर में 37 और हाजीपुर के घोसवर गांव में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों ऐसे गांव हैं जहां औसतन 10 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। गांव में कोरोना के लक्षण वाले लाखों मरीज हैं, लेकिन कोई जांच नहीं है, कोई परवाह नहीं। बेशर्म नीतीश सरकार कागजों और आंकड़ों में ही चल रही है। बिहार सरकार के लाख शक्ति के बावजूद खून की कालाबाजारी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल DMCH का है, जहां खून के सौदागर ने 13,000 रुपये में एक यूनिट ब्लड देने का सौदा किया, लेकिन जब तक खून के सौदागर अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता तब तक वहां पर मौजूद लोगों को शक हो गया और मौजूद लोगों ने खून के कारोबारी को पकड़कर धुनाई कर दी, जिनके बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया। दरअसल खून की कालाबाजारी में पकड़ा गया युवक की पहचान शिवकुमार कामत के रूप में हुई है, जो एक स्वास्थ्य संस्था के लिए काम करता है और उसके गले उसकी जुड़ी पहचान पत्र भी था। बताया जाता है कि एक मरीज को एक यूनिट तत्काल बी ब्लड ग्रुप वाले खून की जरूरत थी। ऐसे में परिजन ने किसी की मदद से शिवकुमार से संपर्क किया और शिवकुमार ने 13,000 रुपये में एक यूनिट खून व्यवस्था कर देने की बात कही। सौदा तय होते ही शिवकुमार दरभंगा DMCH अस्पताल के ब्लड बैंक पहुँच गया। इससे पहले कि वह ब्लड पैसे लेकर जरूरतमंद परिवार को देता, तभी एक समाजसेवी संस्था ब्लड बैंक में रक्तदान करने पहुंची थी। इसमें से कुछ लोगों की नजर शिवकुमार पर पड़ी। शक होने पर उससे लोगों ने पूछताछ की तो पूरी बात सामने आ गई। शिवकुमार ने पहले तो लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब लपड़ थपड़ लगने लगे तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। राज्यभर में कई स्थानों पर हल्की व मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 2 दिनों के बाद हवा के रुख में परिवर्तन होगा, जिससे हालात सामान्य होंगे, जिससे तापमान में भी वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के विपरीत तावते तूफान का असर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में भी दिखाई दिया। इस दौरान बिहार के पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सहित सभी जिलों में 6 से 70 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बिहार के सीमावर्ती इलाके से होकर गुजरने वाली नेपाली नदियां दुधौरा, तिलावे, बंगरी, सिकरहना बांधों की मरम्मति नहीं होने के कारण इस वर्ष भी बारिश के मौसम में कोहराम मचाए तो आश्चर्य नहीं। इन नदियों के बाढ़ के कारण बंजरिया प्रखंड का 13 पंचायत वर्ष 2020 में खरीफ फसल उत्पादन के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन हुआ था। हालात यह है कि जब बाढ़ आता व बांध टूटता है, तब ही जिला या प्रखंड प्रशासन बांध मरम्मत कार्य करने चलती है। वर्ष 2020 में आई बाढ़ में जो बांध क्षतिग्रस्त व कमजोर हुए हैं, वह अभी तक जैसे का तैसे हैं। फिर अब बरसात का समय करीब आ गया है और ग्रामीण जनता में पुनः इस वर्ष भी बाढ़ का खतरा का डर सताने लगा है। जब भी बाढ़ आता है और बांध टूटता है तो क्षेत्र में काफी तबाही मच जाती है।
समस्तीपुर जिले में करीब 6 साल से जारी फर्जी शिक्षक नियुक्ति मामले में अब ऐसे शिक्षकों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग का बहुप्रतीक्षित वेब पोर्टल तैयार है, इसे लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से ऐसे शिक्षकों की पूरी सूची NIC की पोर्टल पर अपटूडेट करने को कहा है। जिले में प्रखंडवार फोल्डर जमा नहीं होने के कारण नियोजित शिक्षकों की सूची अपलोड की जा रही है, जिसके बाद संबंधित शिक्षकों को अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने का निर्देश जारी किया जाएगा। नहीं देने की स्थिति में BEO से शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के मांग कर अपलोड करते हुए जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर की दस्तक के बाद ही बिहार के अस्पतालों में मरीजों का तांता लगना शुरू हो गया है। आम से लेकर खास लोग प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में लाइन लगाकर किसी तरह एक बेड के इंतजार में खड़े दिखने लगे हैं। वहीं प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के इलाज के नाम पर होने वाला खर्च आम लोगों के लिए बड़े मुसीबत का कारण बना है। अच्छे इलाज और बेहतर इंतजाम की आस लेकर आयुष्मान कार्ड के भरोसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी प्राइवेट अस्पताल की तरफ आए जरूर, लेकिन उन्हें निराश होकर ही अस्पताल से बिना भर्ती हुए वापस जाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजधानी पटना के वैसे प्राइवेट अस्पताल जो प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के तहत आयुष्मान भारत कार्डधारी मरीजों के मुफ्त इलाज करने के लिए संबंध किए गए हैं, उन्होंने मरीजों को बहानेबाजी के साथ वापस करने में अपना फायदा देखा। आयुष्मान भारत कार्ड रखने वाले किसी भी मरीज का पटना के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं हो सका, जिसकी पुष्टि सिविल सर्जन और जिला कार्यक्रम समन्वयक ने भी की है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।